शिक्षक को सबसे पहला ध्यान तो ये रखना चाहिए कि एक तो वो स्वयं खुद और दूसरे बच्चे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जारी हो उस समय सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो। किसी एक वर्ग तक या एक लेवल तक उनके बच्चों तक ही जाए, दूसरे बच्चों को मालूम न पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। आप क्या पाठ्यपुस्तक के अलावा बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ने के लिए कुछ गतिविधियां करवाते हैं? जैसे मेरा विषय गणित है तो पाठ्यपुस्तक के अलावा मैं उनको ऐसे उदाहरण देता हूँ। जैसे आप दुकान पे गए, आपको 50 रुपये दे के भेजा, आपने ये सामान लिया, उसके बाद उसने आपको 10 रुपये वापस दिए। तो इस प्रकार उदाहरणों के माध्यम से और उनको मैं पहेलियाँ और पाठ्यपुस्तक के अलावा भी ऐसे प्रश्न डालता हूँ जिससे उनकी मतलब गणितीय कौशलों में अभिवृद्धि हो। इसमें कक्षा कक्ष के बाहर खेल के माध्यम से भी शिक्षण कार्य करवाया जाता है और उसके माध्यम से भी उनकी गणितीय ज्ञान को बढ़ाया जाता है। किस तरह के खेल आप करवाते हैं? जैसे फ्लैश कार्ड रख के उनमें खेल करवाया गया। जैसे पहली कक्षा के छात्र है तो फ्लैश कार्ड बिखेर दिए जाते हैं उनके सामने, फिर उनको कहा जाता है कि चेक को उठा के ले जाओ। और इस प्रकार दो ग्रुप बना के भी खेल करवाया जाता है। एक ग्रुप नाम बोलता है 6, तो दूसरा वो 6 वाला प्लस कार्ड उठा के लाता है। बड़ी चुनौती तो ये होती है कि हम एक ही बार में सबको समझाना चाहते एक बात को, लेकिन होता ये है कि सबका स्तर अलग अलग होता है, उनके सीखने की गति अलग अलग होती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम एक ही बार में सबको अपने जो अपेक्षित ढंग से उनको समझा नहीं सकते। दूसरा ये होता है बच्चों की अनियमितता। एक बच्चा 2 दिन के लिए नहीं आया तो जब तीसरे दिन वो आएगा तो उसके लिए उस बात को पकड़ पाना बहुत कठिन होगा। इसके अलावा स्वयं हमारी भी अनियमितता, जैसे मान लो हम छुट्टी पर चले गए या गैर शैक्षणिक कार्यों में हमको लगवा दिया, तो उसमें भी वो जो पढ़ाई में जो अनियमितता आ जाती है वो भी घातक होती है। शुरू में ऐसा होता था कि बच्चे बिना बताए अनुपस्थित रहते थे, तो फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप अनुपस्थित रहते हो तो उसका कारण पहले मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, भले आप एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी को कह के। तो इससे मतलब थोड़ी कमी आई उनकी अनुपस्थिति में। इसके पश्चात अगर देखा कि बच्चा ज़्यादा ही अनुपस्थित रह रहा है तो उसके अभिभावक से संपर्क किया गया और बच्चों के माध्यम से और अभिभावक से संपर्क करके बच्चे को नियमित बनाने का प्रयास किया गया। कारण में सबसे प्रमुख कारण तो ये नज़र आया कि अभिभावक उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ के अधिकांश खेतियर और मजदूरी से जुड़े हुए, तो वो इतना और स्वयं भी कम पढ़े लिखे या अनपढ़ है तो वो खुद भी इतना ध्यान नहीं दे पाते और इस वजह से बच्चे फिर क्या करते क्या नहीं करते उनको इतना ध्यान नहीं रहता।